Raina. Raina. आंटी, ये सब आपने क्यों किया? क्यों किया आपने ये सब? देखा आपने क्या हुआ? ऋषभ, वो पत्थर, सब खत्म, सब टूट गया आंटी, सब टूट गया। इस काबिल तो नहीं हो रहा ना कि मैं तुझसे और ऋषभ से माफी मांग सकूं, लेकिन मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं इस लायक भी नहीं कि मां कहला सकूं, शायद इसलिए जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ किया, आज उसी ने मुझे धोखा दे दिया। मैं इसी काबिल हूं रहना कि इतनी भयानक मौत मुझे मिले। जिन शक्तियों के लालच में मैंने ये सब कुछ किया, उन्होंने मुझे आज क्या दिया जानने से पहले? रहना आंटी, वो आएगा, वो पत्थर, वो आएगा। कौन आंटी, कौन आएगा? वो नरसिम्हा आएगा। तो उससे बच के रहना, वो बलि मांगेगा, उसकी बलि जिसने उसे वश में किया, वो बलि मांगेगा रहना। आंटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रही हैं आंटी, प्लीज। भस्म कर देगा, जला देगा वो नरसिम्हा। रहना, रहना, तू बच के रहना उसे। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, फिर से खो दिया मैंने तुम्हें। वापस बात की ना तो इन्हीं हाथों से ना तुम्हारा मर्डर कर। ऐसी मौत से कोई क्यों डरे? रैना,
मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। फिर से तुम जिंदा हो ऋषभ, सच में मैं तो मर ही गई थी। विश्वास नहीं होता कि भैया आज हमारे साथ हैं। ये तो एक सीरियसली चमत्कारी है। मुझे तो लगा हम इनको खो देंगे और उसे पर। तुम्हें पता है वेद, मोहिनी बुआ ने भैया के साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी वो उनके अंतिम संस्कार में जाना चाहते थे और करके ही लौटे। वो तो करना ही था ना। मोहिनी आंटी ने जो भी किया लेकिन ऋषभ को पाल पोस के बड़ा तो किया ना, तो क्यों नहीं चाहती मैं? अंतिम संस्कार में ब्रह्मराक्षस ने अटैक नहीं किया? वो नहीं आया वहां? आया था वो वहां, पर उस पत्थर के असर से वो बहुत कमजोर पड़ गया। अरे चलो बाबू, आपके भाई को चिंता, मेरा मतलब चिंता तो दिखानी पड़ेगी ना, दिखा देते उसके बाद चलते हैं पत्थर लेकर, ठीक है? कहाँ है वो पत्थर? वो पत्थर हाँ वो पत्थर, सारे फसाद की जड़ वो पत्थर ही है। कहीं से वो पत्थर मिल जाए तो किसी पंडित को बुला के पूजा पाठ करवा के उसे नष्ट कर दूं। पत्थर कहाँ होगा? पता नहीं अंकल, इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कब चल रहा था। उस पत्थर पे तो ध्यान ही नहीं गया मेरा, शायद वो वही कहीं होगा असुर स्थल पे। बाबू, आपका बाबू बहुत सोचा हुआ है, पत्थर के लिए जा रहा है। इसके पहले कि वो पहुंच जाए हम जाके ले लेते पत्थर। चलो चलो चलो। से भी अभी बचना था। हाँ कियारा बोलो। मतलब अगर मैं फोन करके ना पूछती तो आप तो उस पत्थर को लेके भाग जाने वाले थे। हाँ अकेले लेके भागने का प्लान था, है ना डैड? ये कैसी बात कर रही हो बेटे, इस उम्र में भाग कर जाता तो कहाँ जाता, है ना? बट थैंक गॉड उस पत्थर की एक पार्टनर दुनिया से ही भाग गई, वो जिंदा होती तो हम सबको मार देती। बट नेवर माइंड, पत्थर मिलते ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। ढे एक बार मेरे हाथ में पत्थर आ जाने थे, फिर तो तू गया। ओह माय गॉड, विभूति लाना तो हम भूल ही गए। ब्रह्मराक्षस अंदर हुआ तो? अरे क्या बात कर रही हो तुम, चलो तो अंदर, यहाँ ढूंढना पड़ेगा सब। तुम उस तरफ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। मेरा मतलब आप? कम हो यार, पत्थर तो कहीं नहीं मिला, लगता है बूढ़ा लेके भाग गया होगा। बाबू, डैड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब डैड, आई वाज थिंकिंग जिस पत्थर से इतनी प्रॉब्लम हुई है उसे ढूंढ लेता हूँ। हाँ हम भी तो इसीलिए आए यहाँ के, सोचा ढूंढेंगे। प्लीज अपनी बकवास बंद करोगे आप लोग, बहुत हो गए हैं बाप बेटे का ड्रामा। ओके हम सबको मालूम है हम वो पत्थर क्यों ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे ये मेलो ड्रामा करने से अच्छा है कि सब मिलके ढूंढे। हाँ तो ढूंढो, चलो 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 ढूंढो, चलो जाओ। या कहाँ होगा समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबू, ढूंढते ढूंढते मेरी कमरिया लटक गई है। डैड ये तो वो पत्थर नहीं। अरे ये तो आम सा पत्थर है, ये किस एंगल से हरा दिख रहा है तुम्हें? अरे ये वो पत्थर नहीं है, कहाँ जा सकता है? ढूंढो ढूंढो सब। तो रुक, कमो, तेरी तलाशी लेनी है मुझे। क्या मेरी तलाशी? क्यों? हाँ तुम दोनों हमसे पहले से यहाँ पे आए हुए हो, क्या पता इन दोनों को पत्थर मिल गया उन्होंने कहीं छुपा लिया। यस करेक्ट करेक्ट, यानी तलाशी तो लेनी होगी। पता चला कि हम मालिक लोग बैठे रहे और ये नौकरानी पत्थर लेके निकल गई, ऐसा तो नहीं चलेगा, तलाशी लो। हाँ सही है, ले लो तलाशी। क्यों बाबू आप ही? यहाँ मैं आपका साथ दे रही हूँ और आप? अपने फायदे के लिए। क्यारा बुआ देखो, मेरी तलाशी मत लेना, ससुर की नाती मेरे पास वो पत्थर नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं यहाँ क्या कर रही होती? मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पत्थर नहीं है। डैड मैं देखता हूँ, अगर वो पत्थर इन दोनों के पास नहीं है तो कहाँ है?
मैं चाहती थी कि आप अपनी आंखों से देख लें। ऋषभ अब बिल्कुल ठीक है और ये सब सिर्फ आपकी वजह से। अभी तक उठा नहीं वो, आंखें नहीं खोली तो थोड़ी सी फिक्र हो रही है बस। दे देती हूँ। ऋषभ भैया को थोड़ा आराम करने देते, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, वैसे भी आप बहुत टेंशन में थी। तुम दवाई ले लो ना। पता कितना डर गई थी मैं, इतना डर मुझे कभी पहले नहीं लगा। नरसिम्हा, वो नरसिम्हा यही कहीं है, मेरे आसपास है। क्या हुआ? शायद तुम पत्थर के अंदर थे ना, इसलिए तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। ना दर्द, इतने आंसू। इस परिवार ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। सिर्फ मेरा एक पोता बचा है, मेरा ऋषभ। उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे ही कुछ हो जाए, लेकिन मेरे ऋषभ को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ कोई उसे कुछ नहीं कर सकेगा। ये देखो ये एक पत्थर है, हरे रंग का पत्थर। जो भी ये पत्थर ढूंढकर मुझे ला देगा उसे मैं पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख रुपए? 5 लाख? साहब ऐसा कहा है इस पत्थर में? सवाल नहीं, ये पत्थर ढूंढ के लाना है तुम लोगों को, ध्यान रखना, मुझे बता देना। ठीक है, कहा है भैया पत्थर में? मुझे नहीं पता भाई वो पत्थर कहाँ गिर गया। मुझे बस इतना याद है कि मैसूर स्थल में था और जब मुझे होश आया और जब मैं मैसूर स्थल से बाहर निकला तो मुझे रैना मिली। दैट्स ऑल। मैंने तो पूरा मैसूर स्थल ढूंढ लिया, मुझे तो पत्थर नहीं मिला वहां पे। हाँ क्या? कुछ नहीं। सुन ऋषभ, तू दवा खा के सो जा, आई विल सी यू लेटर। क्या हुआ? नहीं अचानक चक्कर से आ रहे हैं। चक्कर आएंगे ही ना, तुम बैठे रहते हो, आराम ही नहीं करते हो, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। बहुत दर्द कर रहा है तो मैं बाजार जाके दवाई लाती हूँ, बेकर तब तक तो आराम करो। जूस पियोगे? That damn stone! लेकिन साला पत्थर गया कहाँ? ये
ये जगह नहीं देखी, शायद यही मिल जाए वो पत्थर। पत्थर कोई खेलने की चीज है क्या? आंख में लग जाती तो मारेंगे दो थप्पड़। ये तो वही पत्थर है। हेलो, नहीं 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 साहब, ढूंढ रहे हैं। गलती से टकरा गया। माफ कीजिएगा। पत्थर मिले ना मिले, लेकिन बाबू की दुल्हनिया के गहनों से ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। गहने दे, पैसे ले। अब मैडम जी, ऋषभ बाबू कैसे हैं? वो अब ठीक है, ये तुम अपने हाथों में। मैं कुछ तो भी नहीं। वो तो अजीब लड़की है, ऐसे भाग क्यों गई? ओ हीरा बाबू, कम सोना चांदी लाई है? अरे जल्दी करो, रस्ते का माल सस्ते में। हीरा बाबू, इतने कम पैसे? ये पत्थर तो बहुत कीमती है। पता है मुझे, पता है, पर पूरा पत्थर नहीं है, सिर्फ उस पत्थर का टुकड़ा है, तो टुकड़े के ही पैसे मिलेंगे। हीरा बाबू, आप बिजी लग रहे हैं, हम बाद में आते हैं, आप निपटा लीजिए अपना काम, ठीक है? अरे ये क्या हुआ? एक मिनट, हटिए हटिए। अरे पत्थर, हीरा बाबू हमारा पत्थर। अरे पत्थर यही था। अरे कहीं तुमने अपनी जेब में तो नहीं रख लिया? नहीं हीरा बाबू, हमारे पास नहीं है। तराशी, हमारे पास नहीं है हीरा बाबू। पैसा हमारा लाइए वापस, जाओ पहले पत्थर लेकर आओ, जाओ। क्या बात है बाबू, आज कमों पर नहीं लपकोगे? ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपको कमों से ज्यादा पत्थर पे प्यार आ रहा है? कमों जल्दी लाते, इधर जल्दी दे, दोनों मिलकर ब्रह्मराक्षस को वश में करेंगे। कमों तू रहने दे, कहीं राक्षस ने तुझे मार दिया तो? क्यों, आपको लगता है राक्षस का कमों पे दिल आ गया है? बाबू ये देखो, चमका पत्थर, चमका। चलो बाबू, जल्दी जाके इसको तिराए करते हैं कि पत्थर असर करता भी है या मुंह पत्थर ही है। चलो जल्दी बाबू, राक्षस को वश में करते हैं। चलो अरे बाबू, इसकी चमक तो गई। कमल लगता है इसकी चमक आती जाती रहती है। चलो जल्दी चलो, अभी नहीं गए तो कोई देख लेगा। चलो
रैना! ऋषभ जल्दी भागो, निकालो मुझे यहाँ से। ऋषभ जल्दी भागो। रैना कहाँ, मुझे बाहर निकालो प्लीज। ऋषभ, 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 क्या हुआ, क्या हुआ ऋषभ, ऋषभ, क्या हुआ? मैंने तुम्हें उस गुफा में देखा। नरसिम्हा मेरा पीछा कर रहा था, मैं तुम्हारे पास आ रहा था लेकिन मैं तुम तक पहुंच नहीं सका, देर हो गई। ये सिर्फ एक सपना था। सपने का क्या मतलब था? मैंने नरसिम्हा को देखा। भूल जाओ ये सब ऋषभ, भूल जाओ, ये सिर्फ एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। और प्लीज आराम करो, लेट जाओ, चलो आराम से। नहीं होना चाहिए, कुछ बुरा नहीं। जो करना है मुझे ही करना है, उस राक्षस को भी वश में मैं ही करूंगा। अरे बाबू मैं कहा, हमको भी साथ में ले लो। ब्रह्मराक्षस बाबू, ओ ब्रह्मराक्षस बाबू, अरे बड़े बाबू को बुला रही हूँ। ब्रह्मराक्षस बाबू, ओ बाबू कहाँ हो, ये पत्थर काम नहीं कर रहा है क्या? ब्रह्मराक्षस बाबू, हम आपको वश में करने ही आए हैं, चलो कमों का हुकुम बजाओ और इस असुर स्थल को पूरा उथल पुथल कर दो, सब तोड़ फोड़ दो। बड़े बाबू हुकुम बजाने को बोला, मुंह बजाने को नहीं। कम्मो, ये कोई वेटर को खाने का ऑर्डर नहीं दे रहे, हम लोग राक्षस को ऑर्डर दे रहे, ला इधर दे। मेरे पास नरसिम्हा पत्थर है और अब मैं इससे तुम्हें अपने वश में करने वाला हूँ। चलो आओ मेरे वश में हो जाओ। भागो, ये पत्थर बेकार निकला। अरे युग बाबू, कमो कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के? कमो छोड़, ये पत्थर टूटा हुआ है मूर्खों। अरे बाबू ये राक्षस तो इन्फोसरमेशन दे रहा है। इसका दूसरा टुकड़ा कहाँ है? मार दूंगा तुम दोनों को, नहीं छोड़ूंगा। अरे बड़े बाबू हम दोनों तो एक ही है, टू इन वन। ये पत्थर टूटा क्यों नहीं? I don't know, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। इस पत्थर में अब कोई शक्ति नहीं, अब तुझे मरना होगा। मैं तुझे मार के तेरे अंदर आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। और तेरे घर पे जाऊंगा, तुझे मरना होगा।
तुझे तो मरना ही होगा। मुझे तेरे घर में किसी भी हालत में जाना है। मुझे उस रैना का खून चाहिए। वो खून पाके मैं अजर और अमर हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी हूँ। कमा तुम भाग गई क्यों थी? अरे आप सुन नहीं रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद करो, जाओ आप जल्दी अंदर जाओ, जाओ। बचाओ, बचाओ! वो ब्रह्मराक्षस आ गया। अरे बाबू आप कैसे बच गए? क्यों नहीं बचना चाहिए था? तू तो फेंक आई थी मुझे उस राक्षस के मुंह में, लेकिन मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, समझी? माफ कर दीजिए बाबू, माफ कर दीजिए, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, वो आ गया तो। खून निकल रहा है। मैं ऋषभ को देखकर आती हूँ। अभी नहीं, यू इडियट। बाद में, जब कोई नहीं होगा। अरे बाबू, आप कहाँ चले? वो पत्थर लेकर आए कि नहीं? कि वहीं पे छोड़ दिया? वो पत्थर अब किसी काम का नहीं है। और तू भी, get out. ऋषभ मैं अभी आई। युग, वेद, मिताली, नलिन जल्दी आओ। युग को क्या हो गया? हे भगवान, उठाओ इसे कोई। रैना कहाँ गए सब लोग? ये अचानक क्या हो गया? क्या हुआ? उठाओ इसे, उठाओ इसे। हाँ युग भैया, युग भैया। ठीक तो हो बेटा? युग भैया क्या हुआ? क्या हुआ क्या इसे? सॉरी रैना, मैं उठा। डैड, इट्स ओके युग भैया, कोई बात नहीं। चलो चलो, ले चलो इसे। बेटा, तुझे ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं दादी, आम ओके है। तू जा ऋषभ के पास जा, वो बहुत अकेला है ना,
उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जाओ उसे संभाल। जी ये क्या हो रहा है इस घर में सब? थोड़ी देर पहले फिर वापिस कब सोया? ऋषभ क्या कर रहे हो तुम? तुम बेड से क्यों उठे? मुझे वहां जाना है, नरसिम्हा मंदिर। क्या? ये क्या पागलपन है ऋषभ, स्टॉप इट। क्या कर रहे हो तुम? मुझे वहां जाना है मंदिर, वहां कुछ है। कुछ नहीं है वहां पे, प्लीज प्लीज आराम करो ऋषभ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? चलो लेट जाओ प्लीज ऋषभ, आराम करो। क्या बातें कर रहे हो तुम? मुझे तुम्हारा टी शर्ट कैसे फट गया? पता नहीं, चुवा मंदिर में जाना है। तो कहीं नहीं जाएगा दादी, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मंदिर में जाने दीजिए। वहां कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है वहां, मुझे वहां कुछ नहीं। बहुत गलत है, इतना गलत है कि मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया है, अब सिर्फ तू एक बचा है, तुझे मैं नहीं खोना चाहती हूँ, समझा? तू कहीं नहीं जाएगा ऋषभ। बेटा मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। ऋषभ प्लीज आराम करो, लेट जाओ, और दादी ने तुम्हारे लिए हल्दी दूध बनाया है, प्लीज वो पी लेना। वार मैंने किया, उस पर अटैक मैंने किया, मैं उस पे वार करूंगा, उसे मार दूंगा। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे रैना का खून नहीं मिल जाएगा। वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। यार पहले तो लाइन मारी, फिर भरी जवानी में धक्का, फोन नहीं उठा रहे। ओह ये क्या बात हुई बाबू, भूल रहे हो आप कि आधा पत्थर मैंने आपको ढूंढ कर दिया। उड़ के मेरे पास आया था, खो गया। ऋषभ ये क्या, तुम फिर से उठ गए? अभी तक हल्दी वाला दूध नहीं पिया। मैं जैसी दादी को बताऊंगी, लो पकड़ो चुपचाप पियो। ऋषभ इतना पसीना क्या हो गया?
प्लीज आके बैठो बैठो, आराम से बैठो, हल्दी दूध पी लेना। दूर चल। और इस ससुरे की जान तुम? खामोश, सीधी तरह से मेरे साथ चल, नहीं तो ये सारा का सारा रामपुरिया तेरे अंदर घुसेड़ दूंगा। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तू ये नहीं बताएगी कि वो पत्थर कहाँ है। बता वो पत्थर कहाँ है। मेरी पोटली में, मतलब पता नहीं, मतलब पता है, अरे वो पत्थर अब काम नहीं करता, अब वो राक्षस को हम वश में नहीं कर सकते उसे। मूर्ख लड़की, वो देख, देख उस मंदिर को, आज ये मंदिर सुबह से चमक रहा है, ये कोई साधारण रोशनी नहीं, ये उसी पत्थर की चमक है। अगर वो पत्थर तेरे पास है तो सीधी तरह से मुझे दे दे, नहीं तो जान से जाएगी। ये जान से जाए मेरे दुश्मन, मतलब तुम? अरे पंडित, तुमको इतना भी नहीं पता कि वो पत्थर युग के पास है उस हवेली में, और वो पत्थर पूरा नहीं अब आधा ही है। अरे आधा है या पूरा है, मुझे वो पत्थर चाहिए, मैं खुद हवेली जाकर उस पत्थर को लेकर आऊंगा। वो हवेली है हवेली पंडित, कोई हलवाई की दुकान नहीं कि घुस जाए। तू मुझे उस हवेली में घुसाएगी? चल मुझे उस हवेली में ले चल, चल, चल। ऋषभ, क्या क्या कर रहे हो तुम? दूर जाओ मुझसे। हो गया तुम्हें? दूर जाओ। ऋषभ, ये शायद दवाइयों का असर है या उस पत्थर के अंदर कैद रहने का। ऋषभ, तुमने सच में बहुत बर्दाश्त किया है। इस वक्त कौन आया? साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे दोबारा इस घर में नौकरी दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने हमारे घर में चोरी की, नैना भाभी को बदनाम करने की साजिश रची। इस घर में तुम एक मिनट नहीं रहोगी, समझी ना? मैडम जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। उठो, उठो और निकलो, तुम यहाँ एक मिनट नहीं रह सकते, निकल जाओ, यहाँ तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मतलब मैं घर में किसी ना किसी नौकर की तो जरूरत है। अंकल, मैं हूं ना, मैं सारे काम कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा, तू कहाँ से करेगी? तू ऋषभ को संभालती है, सुधा को संभाल रही है, और अभी घर का भी काम, इतना बोझ हम तेरे कंधे पर नहीं डाल सकते बेटा। नहीं दादी, इसमें बोझ कैसा? बोझ तो है, अरे घर का काम अकेले कैसे कर लोगी तुम? देखो, पहले इस घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो होने दो ना। हाँ साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन साहब इस बार जब रखोगे ना तो मेरा पगार थोड़ा बढ़ा देना। हाँ, लो बोलो, ये तो उंगली दी तो पहुंचा पकड़ रही है। देख, एक पैसा नहीं बढ़ाऊंगी, काम करना है तो कर, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो 100 रुपया बढ़ा देंगे। नहीं यार, एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ेगी, काम करना है तो कर। दादी, अच्छा ठीक है, चलो काम कर लो इस घर में, लेकिन काम पहले जैसा ही है और पैसा भी पहले जैसा मिलेगा। करना है तो करो, नहीं तो अब। हाँ, करो करो करो, मेरा मतलब करूंगी ना, बिल्कुल करूंगी। अब कम्मू की कमाई में 2-4 पैसे कम भी आ गए तो चलता है बाबू। बस बस, हाँ जा काम कर अपना, चलो। हाँ चलो चलो चलो।
वक्त आ गया है, वक्त आ गया है रैना पे वार करने का। मुझे उसका खून चाहिए, उसका खून पाके मैं अजर अमर हो जाऊंगा। ये पत्थर मुझे अजर अमर बना देगा। मुझे ये पत्थर आज रात ही ढूंढना है। मुझे वहां जाना है। नहीं, क्यों जाना है? नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? ब्रह्मराक्षस कमरे में क्यों नहीं जा पा रहा है? जरूर कोई गड़बड़ है। अभी इस पत्थर की शक्तियां बहुत बुलंद हैं। अभी मैं इसे नहीं मार सकता। सामने था और उसने तुम पर अटैक नहीं किया, तुम्हें छोड़ दिया। वही तो मैं सोच रही थी अंकल, ये क्या हो रहा था? ब्रह्मराक्षस वहां खड़ा था, वो मेरे कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आ ही नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो आ नहीं सका। ऋषभ भैया, ऋषभ भैया ठीक है ना? ऋषभ तो कमरे में ही नहीं है। जब मैं उठी मैंने देखा बेड पे कोई नहीं था, बेड तो खाली था। मैं ऋषभ को आवाज देने ही वाली थी कि सामने ब्रह्मराक्षस आके पता नहीं दादी ऋषभ कहाँ चला गया। ऋषभ अपने कमरे में नहीं, कहाँ गया वो? हाँ, कहाँ गया? बुआ जी, ऋषभ बाहर लाओ। मैं रैना के सामने होते हुए भी ब्रह्मराक्षस पर हमला नहीं कर सका, इसका मतलब कोई ऐसी शक्ति है जो उसे रोक रही है। ऐसी शक्ति उसी पत्थर में है और वो पत्थर ऋषभ के कमरे में है। मिताली, एक काम करो, फर्स्ट एड किट लो और जल्दी ऋषभ के पास जाओ। हेलो हेलो डॉक्टर, डॉक्टर मैं वेद बोल रहा हूँ, डॉक्टर ऋषभ भाई की हालत बहुत खराब है, आप प्लीज आ जाइए। जी ऋषभ, 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 मिताली जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ला। ऋषभ ऋषभ अपनी आंखें खोलो। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे पहुंचे ऋषभ? ऋषभ, ऋषभ ठीक तो हो? ऋषभ,
मेरी भी डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि शायद दिन में कहीं चलते चलते गिर गए होंगे, तो आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ भैया। ऋषभ बेटा, ऋषभ बेटा, आओ आओ बेटा, और अब आराम करना। ले चलो अंदर, चलो उठो, वेद उठाओ। नीचे मत उतरना। पसीने पसीने क्यों है तू बेटा? दादी, आई गेस मैं सो रहा था और मैंने बुरा सपना देखा, मेरी आंख खुली और सामने आप। आई एम फाइन नाउ। कोई बात नहीं बेटा, फिर से सो जा, भगवान का नाम ले, कोई बुरा सपना नहीं आएगा। ओके जी दादी। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, गुड नाइट। तुम इतनी रात कर लॉन क्यों गए थे? बोलो ना। पता नहीं, मैं तो बस ऐसे ही क्यों गया था। मैं ठीक हूं। प्लीज मेरी इतनी टेंशन मत लो, क्या? अच्छा तुम ऋषभ, पता है कल सुबह उठते ही ना मैं दो चीजें करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मोहिनी आंटी के लिए शांति पूजा। ऋषभ, वो जैसी भी थी, माँ थी, उसने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया। और दूसरी चीज, और दूसरा काम, ऋषभ ये क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रहे हो? तुमने दूसरी बार मुझे धक्का दिया है, क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम ऋषभ? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम ऋषभ? मैंने क्या किया? तुम्हें धक्का मारा क्या? क्या मैंने? I'm sorry. चोट लगी तुम्हें? दूसरी बार ऋषभ। So sorry, कहाँ चोट लगी? ऋषभ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो ऋषभ, बताओ ना मुझे। नहीं, thank you.
दूसरा काम क्या करने वाली थी। दूसरी चीज, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाना चाहती हूँ कंप्लीट चेकअप के लिए। ये जो मैंने दवाइयां दी थी उनमें स्लीपिंग पिल्स की वजह से ये रिएक्ट कर रहे हो, और हो सकता है कि इन्हें कोई बुरा सपना आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके दिल में कोई डर बैठ गया हो। ये दवाइयां इन्हें देते रहिए, ही विल बी फाइन एंड यू डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू डॉक्टर। सुना तुमने ऋषभ, अब तो तुम बिल्कुल ठीक। मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। लेकिन जाओ, लीव मी अलोन। क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे पता लगा नहीं होगा। ये तो बेजुबान औरत है, बोल नहीं सकती। अरे अगर भी ये मुझे देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं यहां क्यों आया हूं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? बोलो, पत्थर मिला? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। क्या तुमको? तुमसे पूछा मैंने, पत्थर मिला हाँ या हाँ? अगर जिंदा रहना है तो वो ही करना होगा जो मैं कहूंगा। करोगे? दादी, कुछ नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बिल्कुल नाकाम कोशिश कर रही थी अपने रिश्तों को, अपने घर परिवार को समेटने की।
जब जब मैंने अपने परिवार को समेटने की कोशिश की है तो रेत की तरह मेरे हाथ से फिसल गए। पहले आशीष और सुधा गए, उसके बाद राखी। सुधा तो वापस आ गई लेकिन राखी और अब ये ऋषभ। नहीं दादी, ऋषभ को कुछ नहीं होगा, हम लड़ेंगे ना दादी, और इस बार हम जरूर जीतेंगे। आप मुझ पर विश्वास करती है ना? बिल्कुल, मैं ऋषभ को कुछ नहीं होने दूंगी दादी, आई प्रॉमिस यू। जानती हूँ इस वक्त वो क्या कर रहा है। वो अपने कमरे में है, उसने कहा कि उसे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है। मैं जाकर देखती हूँ उसे दादी। ऋषभ, पूरा एक घंटा मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ गया ऋषभ? फोन करती हूँ। क्या होगा ऋषभ? कहाँ गया होगा ऋषभ? हे भगवान, क्या ऋषभ अपने रूम में नहीं है? भाभी, भाभी, भैया ऊपर भी नहीं है। उसका फोन भी मेरे पास है, पता नहीं कहाँ गया होगा ऋषभ। मैंने बाहर लॉन में भी देख लिया भैया, वहां भी नहीं है। ओ गॉड, अरे मैंने सामान गायब और अब इंसान। ऋषभ बाबू कहाँ छुमंतर हो गए? कहाँ गया होगा ऋषभ? अरे तूने ऐन वक्त पर फोन क्यों किया? तुझे पता है ना? पंडित, ये पूछने के लिए फोन किया कि क्या तुम्हें पता है वो ऋषभ बाबू कहाँ है? सब लोग यहाँ ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। अरे मूर्ख लड़की, मेरा समय बर्बाद मत कर, फोन काट। कहाँ गया वो कनकराज? मुझे वो पत्थर चाहिए, अभी चाहिए। मुझे रैना का खून चाहिए, मुझे रैना पर वार करना है, अजर अमर होना है। ऋषभ यहाँ क्यों आया? इसने पत्थर का दूसरा टुकड़ा यहाँ तो नहीं?
मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि मैं हारता नहीं सिर्फ मारता हूं। ऋषभ, ऋषभ कहाँ हो तुम? ऋषभ, जसी दादी। हाँ जसी दादी, नहीं कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ पता चलेगा ना मैं आपको कॉल करूंगी। हाँ ओके। रैना, रैना तो इतनी रात को बाहर क्यों घूम रही है? देख आज पूर्णमासी की रात, आज फिर उस राक्षस की शक्तियां बुलंद है, तो आज फिर से कुछ गलत हो सकता है। तू जा, घर जा तू। हाँ, जा, हाँ, जा, जा जल्दी जा। ऋषभ, ऋषभ कहाँ हो तुम? ऋषभ, मेरे जिंदा रहने का एक ही रास्ता है, तुझे तो जिंदा रखना होगा, पर तेरे जिंदा रहने के लिए तुझे और शक्तिशाली बनना होगा। आज पूर्णमासी की रात है, आज या तो तू उस पत्थर को हासिल कर या फिर रैना को। रैना कहाँ है? रैना, ऋषभ कहाँ? जा, पकड़ ले उसे, उसे मार दे, उसका खून पी जा, फिर तू ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, नरसिम्हा को अपने वश में कर पाएगा। जा। जा। बेटा, आप यहां अकेले क्या कर रहे हो? आपकी मम्मा कहां है? आज तो पूर्णमासी की रात है, रम राक्षस भी आजाद घूम रहा है, ऐसे में इस बच्चे का यहाँ अकेला घूमना? नहीं नहीं, इसकी जान को खतरा हो सकता है, इसे घर पहुंचाना ही। बेटा, 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 आपका घर कहाँ है? बेटा बताओ ना, आपका घर कहाँ है? मैं आपको घर पहुंचाऊंगी, आपकी मम्मा के पास, आप मुझे अपने घर ले चलोगे? हम्म, बेटा ये तो यहां कहां? बेटा आपका घर यहां कहां?
बेटा बेटा क्या हुआ?